फ्रेंड्स देखिपे आम पाखे मुड़ी भाजपा मेसीन अच्छी रंग बेरंगर विभिन्न प्रकार मेसीन अच्छी विभिन्न प्रकार वेरिएंटर मेसीन अच्छी जहाँकि फ्रेंड्स कोई रखुच आप एलपीजी गैस द्वारा भी आपण मैंने मेसीन को चल पारे कि काठ साहाज्य द्वारा भी जिनस को चल पारे कि घोषी साहाज्य द्वारा भी मेसीन को चल पारे। सर्वप्रथम माँ तारा एंटरप्राइजेस ओनर अच्छा सर्वप्रथम तो आम किसी इंट्रोडक्शन नहीं जावा सर नमस्कार आम मिस्टर ओडियाटेक यूट्यूब चैनल नमस्कार मेरा नाम है उज्जवल सेनापति मेरा जगह का नाम है वेस्ट बंगाल पुरुलिया जिला और उड़ीसा से अगर कोई आएगा तो खड़गपुर आने पड़ेगा। खड़गपुर से मेरा 2-3 घंटा का लोकल ट्रेन मिलेगा। मैं स्टेशन से आदमी को रिसीव कर लेता हूँ और यह मेरा आदमी के लिए रहने जाने का रहने खाने का जगह भी है, कुछ टेंशन नहीं है। तो सर मुझे जानना चाहिए जो ये मेसीन अच्छी ये मेसीन द्वारा कौन कौन करी हो ये मेसीन से क्या क्या हो सकता है? इसमें मेनली मुड़ी जो मुरमुरा कहता है वो तो होता ही 100% और चना फ्राइम्स पीनट वो जो रिंग टाइप का होता है पापड़ टाइप का होता है जो धान से बंगाल में खोई कहता है जो खील कहता है वो भी होता है वो कुरकुरे मेनली 15-20 आइटम का आराम से हो जाता है। ये मल्टीपर्पज़ यूजेस रोस्टर मशीन है, इसमें सभी चीज़ रोस्ट होता है, कोई चूड़ा जो पोहा बोलता है ना वो भी रोस्ट कर सकते हैं इसमें। तो सर्वप्रथम तो सर सर्वप्रथम तो फ्रेंड्स आप समस्त मुझे रखुच्छे जो भाई आपन को ओनर निजे कहले कि मेसीन द्वारा कौन कौन करहब जहाँकि जदि आप घरे मेसीन इनस्टल कर किंबा एक बिजनेस पर्पज चले मेसीन को घरे लगे चाहूँगी मेसीन साहय द्वारा आप विभिन्न प्रकार जिनस मेकिंग करेंगे जो भाई आजिका समय बाहर बाहर खाद्य खावाक जाए भोजी खावाक जाए चाइना पंपोड यूज करा जाए जैक आपा द्वारा भी ताकू प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल ऑयल लगभग विदाउट ऑयल आपने प्रिपेयर करेंगे सहित मुढ़ी मुढ़ी भी प्रिपेयर करेंगे सहित खई भी प्रिपेयर करेंगे सहित जो आम पिनट मैंने बादाम कथा कह बादाम भी भाजी पारे सहित सोले बुट भी भाजी पारे खास करिए मेसीन को अधिक फोकस दि जाए जदि आप मुढ़ी बिजनेस करने चाहूँ तो मुढ़ी आ द्वारा भाजी पारे। तो ये मेसीन गुड़िकर विभिन्न प्रकार वेरिएंट अच्छी गैस वेरिएंट अच्छी आउ लखड़ी वेरिएंट अच्छी। सर पहले तो मैं पूछना चाहूँगा जैसा ये मेसीन है ये एक घंटे में कितना लखड़ी जाएगा उसके बाद एक घंटे में ये कितना प्रोडक्शन देगा? देखिए मशीन का हिसाब से होगा, ये जो मशीन है ये 70,000 का मशीन है, ये लकड़ी अगर यूज कीजिएगा तो एक घंटे में 25-30 केजी लकड़ी जाएगा। मेनली खर्चा आता है पहली बार हीट करने के लिए, पहली बार 15-20 मिनट के बाद हीट हो जाएगा फिर खर्चा कम आएगा और अगर कोई एलपीजी यूज़ करेगा तो उसमें घंटे में 3 केजी गैस लग जाएगा। कोई कंपनी अगर बोलेगा कि 2 केजी गैस में हो जाएगा तो नहीं होगा दादा, कम से कम 3 केजी गैस लगेगा ही लगेगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कस्टमर को उसको ज़्यादातर ज़्यादा आदमी एलपीजी से बड़ा वो लकड़ी यूज़ कीजिए तो उसको खर्चा कम आएगा। इसका मेन खर्चा है हीटिंग खर्चा, घर का इलेक्ट्रिक से चलता है इसलिए इलेक्ट्रिक का खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, मेन खर्चा हीटिंग हीटिंग जो जिससे कम से कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कोई अगर लकड़ी का जो पत्ता है ना पत्ता से भी हीट कर सकते हैं, कोल से हीट कर सकते हैं, ये जो चादर का ड्राम है इसको हीट करना होगा और अंदर अंदर बालू रहेगा, ये बालू को गर्म करने से ये अंदर का जो चीज़ है वो बाहर निकलता है। तो ये प्राइस कितना आ जा रहा है? इसका प्राइस हम 35,000 से 3 लाख तक बेचते हैं, प्रोडक्शन का हिसाब से प्राइस है। पर्टिकुलर ये वेरिएंट का प्राइस कितना आ रहा है? ये स्क्रू टाइप का रोस्टर है, ये हम 70,000 से बेचते हैं और जो ये जो हेड और ड्रम रोस्टर है ये 35,000 से बेचते हैं। तो फ्रेंड्स मु आपन समस्त को कहि रखुची जाय कि 75,000 रे आपन को ये मशीन मिल जाउची किंतु ये मशीन आपन माने जे काठरे यूज करंतु जाय कि आपन को अधिक बेनिफिट होबो। जदि आमे आम उड़ीसा कथा कहबा उड़ीसा रे काठरो अभाव नाही, जदि आम पर्सनाली भी काठ यूज करुच्छू जैक आम कि बेनिफिट मिल कि मेसीन चालू करने आपको 15 मिनिट्र हिटिंग दरकार, 15 मिनिट हिटिंग हो सर ये मेसीन को आपण मैंने रेडी टू यूज करेंगे कि 15 मिनिट जो हिटिंग करेंगे पखापाखि आपण को 12-15 केजी काठ लगे हिटिंग करने वन टाइम हिटिंग हो सर जब आपतर मुढ़ी भाजुंट जहाँकि मुझे कही रखुच्छी फ्रेंड्स आपण मैंने घंटापति पाखापाखि 100 केजी चाउल आपण मैंने मुढ़ी प्रडक्शन दे पारे आपण मैंने मन रखु जदि आम कथा 100 केजी जदि चाउल दौंस 100 केजी मुढ़ी बाहर 90 केजी मुढ़ी बाहर 10 केजी माइनस हम जैक जो एयर मॉइश्चर अच्छी सहित भी मुझे जो भाई टेक्नोलोजी मो कैमरामैन कह भी भलसे देखापी तो ये देखो जैक मेसीन कनसेप्ट ये रहा डेमो मेसीन हो आम तो ये डेमो देखेबू बट तापूर्व आपको रखुच्छे जैकटा इलेक्ट्रिक वेरिएंट काठ उठी इलेक्ट्रिक कौन पर दि जाए ना ये जो टैंक अच्छी ये टैंक घूरब
जहाँकि आपतर या बाली सहित रुस्ट हम आम चाउल जहाँफल कि इजिली आम एठ चाउल काढ़ी पारू जो ये जो एरिया अच्छी जो आपको स्मल एरिया दि जाइए या भितर जब आपने एल पी जी यूज करने चाहते एल पी जी यूज करें ना आपने चाहिए हाँ हाउ एल पी जी यूज करवाई जार सिम आसमी सिस्टम मिल जाए काठ यूज करें सहित भी मो फ्रेंड्स मो कैमरामैन कह भी टी देखापी क्लोजली पाखक देखूँ जाठी अलरेडी गोटे मेसीन आम चली सारी जहाँकि देख पारे मेसीन ये चली बालू बाहर नहीं निकल रहा है देखिए ये वह बालू दिया हुआ देखिए बालू दिख रहा है बालू देखिए कोई बालू बाहर नहीं निकल रहा है बालू रिटर्न होके जा रहा है आदमी को देखने से लगेगा कि बालू आ रहा है तो बालू जा रहा है का बालू देखिए रिटर्न होके जा रहा है मशीन का वही काम है बालू आता है बालू रिटर्न होकर जाता है उसी के साथ चावल आता है वो चावल मुड़ी होकर निकलता है बालू रिटर्न होकर चला जाता है यही है मशीन का फंक्शन जहाँकि जदि आम कह दस बंधु आ भितर आप जो मुढ़ी बाहर मुढ़ी भितर कौन प्रकार बाली जीवनी सहित भी ये देखिपे जी आपत भी देखिपे आपठ काठ लगी सारी जो आपको प्रथम बुझेली ये काठ वेरिएंट भी अच्छी एल पी जी गैस वेरिएंट अच्छी जदि आपठर जाली चाहूँ देखिपे काठ यूज करें काठ यूज कले जा पंदर मिनिट आपको एमती काठ जल्वाक पड़ो जहाँपाई आप हिटिंग हाँपाई पंदर मिनिट पर हिटिंग हो सारापर आपने चावल भाजी पारे सहित भी मुझे कैमेरामैन को कह मटर देखापी देखूँ ता सहित आपको घरे दुईश चालीस करेन्ट्रे आपने मटर को चलिए पारे जहाँकि फ्रेंड्स मुझे पचारि रखी मटर केमी कौन सर ये मटर कितना ये सिंगल फेज वन एच पी का मटर है क्रोमटन का ये चक्का है देखिए बहुत ईजी से घूम रहा है मटर घर का इलेक्ट्रिक से चलता है ये चक्का पुली से ये घूम रहा है ये बहुत इजी से चलता है इतना बहुत कम इलेक्ट्रिक में चलता है घर का तो ये इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्चा होगा एक घंटा का दिन सुनिए इलेक्ट्रिक का खर्चा कोई हिसाब नहीं करता सारा दिन में चलन से 10-15 रुपया जाता है तो फ्रेंड्स कही रखुचे आपण माने काठ यूज करले आपण को भाटी को हीट करिया पई बडे जो मोटर लागिचे मोटर लागिदा भीतर जो टैंक लागिचे टैंक घुरिबो जा फल कि आपण माने इजीली चावल काढी परिबे ता सहित भी फ्रेंड्स एठी विभिन्न प्रकार लगना पड़ेगा विभिन्न प्रकार ऑप्शन दिया जायचे मु आपण समिति देखे भी जाके ठीक जदि हमें अगर कोई लकड़ी यूज कीजिएगा तो इसको ब्लोअर लगाना पड़ेगा ये इसका नाम है ब्लोअर इसका काम है देखिए आग जल रहा है ना आग को ऊपर देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जो हीटिंग का चादर है वो ऊपर है तो उसको आग ऊपर देने के लिए ब्लोअर लगाए हम इसका काम है जो आग रहता है ना उसको धुआं जो रहता है उसको डस्ट कर देता है और बहुत अच्छी तरह से आग जलता है आग जलाना स्पीड कर देता है तो हमें जो अगर ये मशीन जो प्राइस के अंदर ये सब एक ही प्राइस में आता है कि अलग खरीद नहीं नहीं ऑल फिटिंग्स देते हैं कोई अगर लकड़ी यूज कीजिएगा तो हम ये देंगे अगर कोई एलपीजी यूज कीजिएगा तो उसके लिए बर्नर सेट देंगे हम जो रेट बोलते हैं उसका ऊपर एक रुपया भी नहीं लगेगा तो फ्रेंड्स मुझे कह रखुचे आपत देखिले एत सारा इजी टू यूज जदि आपजनेस चाहूंट आजिका समय जी खास करें कथा मुढ़ी बिजनेस करने चाहूँगी तो आपजिली मुढ़ी बिजनेस करें जो आपको देखेली काठ द्वारा भी करेंगे एलपीजी गैस द्वारा करेंगे और काठ द्वारा कले आपको इजिली मटर रहा आप इलेक्ट्रिक टैंक घूरे और काठ द्वारा टैंक हिट हे जहाँफल कि आपजिली मुढ़ी भाजी पारे सहित भी प्रथम पचारद आम जो वेरिएंट देखु वेरिएंट्र पर्टिकुलरली प्राइस केते सर ये जो वेरिएंट है हमारा पास इसका प्राइस कितना आ रहा है देखिए ये 90,000 का मशीन है प्रोडक्शन का हिसाब से मशीन होता है देखिए वो मशीन मैंने आपको दिखाया है उसका वो छोटा है उससे थोड़ा ये बड़ा है इसका सेफ साइज अलग है इसका बियरिंग साइज अलग है ये ब्लॉक बियरिंग है सिस्टम है दादा जो जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा ये 250 से 300 केजी पर आवर प्रोडक्शन देने वाला मशीन है उसका रेट भी ज़्यादा है जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा उतना ज़्यादा उसको रेट भी होगा मोटामोटी कह दस बंधु जब आपतर कौन दस बंधु मैंने भिडियो को देखुं आपण मैंने भावुं ये मेसीन किणवाई आ घर एक छोट बिजनेस आरंभ करने जैसे आपण मैंने इजिली मेसीन किणीपर सर्वप्रथम आउ थ जो दस बंधु मैंने बुझि नपाइले मुझे बुझे दौर देखिपे मुढ़ी भाजवापी आपन मेसीन दि जाइए कनसेप्ट सिंपल ये गोटे टैंक दि जाइए ये टैंक घूरब टैंक भितर किसी चेल अच्छी आता भितर बाली अच्छी कि आपने चाहिए ब्लाक सल्ट
सल्ट भी यूज करें मुढ़ी भाजवापी तले आपर काठ रहा ये काठ को अधिक जोर से जल्दी पछपट गोटे एयार मेसीन अच्छी जहाँकि कन्स्टाटली एयार फिंगुची बाहर को जहाँफल कि टैंक हिट है आरपटे गोटे मटर लगी टैंक को घूरला जहाँफल कि एपट आपर चाउल सेपटे पूरेबे एपट आपर मुढ़ी बाहर आ भितर आपने मुढ़ी भाजी पारे बादाम भाजी पारे कि मक्का भाजी पारे कि चाइना पापड़ भाजी पारे ता सहित भी आपने चाहिए विभिन्न प्रकार जिनस खई भी भाजी पारे ये मेसीन प्राइस 90,000 आसी जाऊँगी जो दर्शक बंधु मैंने इंटरेस्टेड अच्छा मेसीन किनापी स्क्रीन सारे डिटेल्स दि जाऊँगी सीधा सल कल करेंगे माँ तारा एंटरप्राइज ओनर भी निजे अच्छा आपण सहित ओनर डायरेक्ट जोजोग करेंगे जदि एटिक आसपाई चाहते रहा खावा पीवा सब व्यवस्था अच्छी कि घर बस मेसीन अर्डर करने चाहते भी अर्डर करेंगे इसको टोटली जानकारी चाहिए तो मुझे मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट कॉल करना मैं टोटल बता दूंगा उसका जितना सारी क्वेश्चन है मुझे कीजिएगा मैं डिटेल्स बता सर ये मैं जानना चाहूंगा जो भी मेसिन खरीदता है वो उड़ीसा में बैठ के मेसिन लेना चाहता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग क्या फैसिलिटी है देखिए ट्रांसपोर्टिंग अगर ट्रांसपोर्ट से बुलाएगा तो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा उड़ीसा ज्यादा से ज्यादा 8,000, 7,000, 9,000 इसका अंदर आएगा और डायरेक्ट पर्सनल गाड़ी से कोई बुला सकते हैं वो अपना हिसाब से है पर्सनल गाड़ी से भी मेसिन जाता है मिस्त्री जाता है ट्रांसपोर्ट में अगर जाएगा मेसिन तो मिस्त्री ट्रेन में जाएगा पर्सनल गाड़ी में जाएगा तो मिस्त्री गाड़ी में जाएगा एकदम तुरंत वो बिठा देगा देखिए ये जो मेसिन है इसमें अभी तक भट्टी किया हुआ नहीं है इसलिए धुआं ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं जो भट्टी किया हुआ रहता है उसका आग पकड़ और ज़्यादा अच्छा होता है तो उसको खर्चा भी कम आता है तो दर्शक बंधु ये मुझे समस्त को कही रखुच्छी जो मैंने घर बस ये मेसीन को किनापी चाहते से मैंने ट्रांसपोर्टिंग यूज करेंगे जैक प्रथम आपको ये 5,000 टाँचा सिक्यूरीटी मनी डिपोजिट करा पड़ो बाकी मेसीन पहुँच सारापर बाकी पैसा देवे आ मेसीन ट्रांसपोर्टिंग कस्ट कस्टमर को देवा पड़ो पाखापाखि 7,000-8,000 टाँग ओडार जो जिलार भी मेसीन अर्डर करने चाहते ता सहित देखिपे पाखापाखि आम 15 मिनिट कम्प्लीट हो सारी आम मेसीन 100% हिट कम्प्लीट हो सारी एवं रेडी टू यूज आम चाउल पकवा मैंने इमिडियेटली मुढ़ी बाहर तो सर्वप्रथम आम आपको डेमोग्राफी करके देखेदेबू ता सहित भी फ्रेस कही रखुच्छी जेहेतु आम आज भिडियो बनवा पचारे आसीचु से भाटी करी आपदुअर एक भाटी कर दिखते जैक भी हिट जेनेट हो ये हिट बाहर को बाहर ना हिट जेनेट सब भितर रहाफल कि घंटा प्रति आपको जो 10 किलो काठ लगवा कथा से घंटा प्रति मात्र 7-8 kg काठर भी आपंकर कम्प्लीट हो सर मैं ये पूछना चाहूँगा जैसा एक घंटे में लकड़ी कितना खर्चा आएगा देखिए वो मेसिन का लंबाई के हिसाब से होगा अगर ये मेसिन जैसा हमारा सामने 90,000 का मेसिन है इसमें प्रोडक्शन कितना देगा और लकड़ी एक घंटे में कितना इसमें दादा घंटे में मान लीजिए 20-25 kg लगेगा इसमें तो फ्रेंड्स देखी पाते आम सामने भाजवापी बहुत सारा जिनस आसी सारी एवं रिसेंटली सब जिन भजा जाए मो कैमेरामैन को भी देखापी देखो ये कुरकुरी अच्छी जेटा नली कह जाए नली अच्छी चाइना पंपड़ अच्छी सर इसमें क्या क्या हम लोग भूज सकते हैं बिना ऑयल के ये लोली टाइप का चीज़ है इसमें दुकान में देखिए पैकेट में बेचता है ठीक है इसमें तेल में फ्राई करके बेचते हैं लेकिन अभी तेल का रेट इतना ज्यादा हो गया कोई ज्यादा तेल भी बच्चे लोग खाते हैं तबियत चलो लेकिन इसमें बालू या नमक से फ्राई करने से इसमें कोई खराबी नहीं है एकदम एक्चुअली ड्राई फ्राई हो गया इसमें मसाला मिक्स करके छोटा छोटा पैकेट करके बेच सकते हैं डायरेक्ट भी खा सकते हैं ये सभी आइटम ये पापड़ है ये सभी आइटम मैं डायरेक्ट लाइव वीडियो करके दिखाऊंगा ये पापड़ है ये छोटा छोटा जो चीज़ है भिंडी है ये कटोरा है ये कटोरा कहते हैं इसको ये तो बहुत कुरकुरी में बेचते हैं हाँ ये कटोरा है ये हमारा छोटा नली हो गया हाँ छोटा नली हो गया ये चनाचूर में यूज होता है ये सब राइट हाँ जो कॉर्नफ्लेक्स है कॉर्नफ्लेक्स भी यूज कर हम लोग भूनते हैं इसमें तो दर्शक बंधु आपण मैंने देखिले एत सारा जिनस को आपण मैंने भाजी पारे जी मुझ खास मुझे कि देखापी चाहिए देखिपे आम पाखे ये नली अच्छी जेटा कह जाए जार आर प्राइस आम जब कथा हाँ मार्केट रू किलो 20-30 टकर आणुचु आ 20-30 टकर आणिक आम घर भाजुचु पाखापाखि 60 टाँग खर्च करचु गोटे लिटर तेल खर्च करचु ता सहित भी देह खराब हो छुआ मानर के सारा प्रोब्लेम होती आपण मैंने जदि बिजनेस करने चाहते ये जिनस ये मेसीन सा भाजी पारे जैक आम देखिपे कि डेमोग्राफी आम अलरेडी ये जिनस को पकई चलु मेसीन भितर तो ये आम प्रडक्शन बाहर प्रडक्शन देखेबू ता सहित भी फ्रेंड्स मुझे समित कही रखुच्छी ये मेसीन किनापी भिडियो डेस्क्रिप्सन नंबर अच्छी आपड़ा सीधा सड़क चाहिए कंटाक्ट करें।